देखो तुमना भी मालूम कांग्रेस को कमी नहीं है यहाँ एनआर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस को कमी है। ये दो तरह से है, एक बीजेपी की चड्डी का नाड़ा कांग्रेस है, तो मैं खुली बात बोलना चाहता हूँ, नाड़ा घट बनेंगे या नाड़ा खोल देंगे तो चड्डी गिर जाएगी। अभी यहाँ पर इंशाल्लाह इस मर्तबा जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें तमाम आवाम को मालूम है, जब कौम तकलीफ में थी उस वक्त ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है यह मालूम है। इस मर्तबा 10 तारीख का दिन इसका जवाब देंगे। एवी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कॉर्पोरेशन ने लास्ट टाइम कारपेटर्स जितने हैं हमारे और खासकर उनकी मदद और हमारे वहां पर हारे हुए जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी मदद से आज एनआर क्षेत्र के अंदर जो एक पार्टी डिसाइड नहीं कर रही है को जो था खाली वक्त लगा कि पूरी एनआर क्षेत्र के अंदर जितनी जेडीएस पार्टी है वो एक होने के लिए थोड़ा वक्त लगा, तो माशाल्लाह आज पूरी पार्टी एक है, एक होकर एक कैंडिडेट को चुनकर सिटी के अंदर हमारे चलवेगौड़ा साहब को और हमारे यहाँ के सारा महेश साहब और जीटी देवगौड़ा साहब को देने के बाद आज कुमार स्वामी साहब का और सीएम इब्राहिम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आज एक हलके में कैंडिडेट बनाया गया है। नहीं अभी मैं कारपेटर्स हमारे जितने जेडीएस के कारपेटर्स हैं और जितने डिप्यूटेट कैंडिडेट्स हैं वहां के और हमारे पार्टी वर्कर हैं और पूरे लीडर्स हैं उनके साथ इंशाल्लाह मैं कल बात कर वो कब नॉमिनेशन करना है सबकी राय मशवरे से करने की कोशिश करूंगा। मैसूर में खुसूसन एनआर हलके में जेडीएस जो है एक तरह से कमजोर होती हुई नजर आई क्योंकि उसके बड़े लीडर जो है जेडीएस जो है छोड़ दिए गए थे, अब आप यहां पर जो है किस तरह जेडीएस को मजबूत कर जो है यहां एनआर हलके में खुसूसन आप एमएलए होंगे? नहीं देखो जेडीएस पार्टी के अंदर हर सियासती ऐसे मौके पर यहाँ के लोग वहां जाते हैं वहां के लोग यहाँ पर आते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो अब्दुल्ला साहब जो पार्टी छोड़कर जाकर हैं वो बहुत हमारे कुमार स्वामी साहब का और उनका बहुत अच्छा ताल्लुकात है। मेरे ख्याल से एनआर क्षेत्र के अंदर सन हमारे कुमार स्वामी साहब सीएम होने के लिए अब्दुल्ला साहब का भी मदद यहाँ पर यह क्षेत्र में होगी और ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से नाराज हैं, कुछ लीडर से नाराज हैं, वो भी हमारे यहाँ के एनआर क्षेत्र के अंदर इंशाल्लाह कुमार स्वामी साहब को सीएम बनाने यहाँ का एक नुमाइंदा चुनकर भेजेंगे। आपको टिकट मिलने में क्या सीएम इब्राहिम साहब का क्रेडिट जाता है? वो तो स्टेट प्रेसिडेंट है ना, तो पूरे हमारे लीडर्स सीएम इब्राहिम साहब और हमारे कुमार स्वामी साहब जीटी देवगौड़ा साहब सारा महेश साहब सबसे ज्यादा मुझे ताकत देने वाले यहाँ के कारपेटर हजरात और जितने डिप्यूटेट कैंडिडेट्स हैं और वर्कर्स हैं और स्टेट सेक्रेटरी हैं इनकी मदद से लोकल के अंदर जो एनआर के अंदर हैं इनकी एक ताकत आगे लाने से मुझे टिकट मिले। सर आने वाले दिनों में क्या अब्दुल खादर उर्फ शाहिद जो है एनआर के एमएलए होंगे? जरूर अल्लाह देखिए हर जीत का फैसला अल्लाह करने वाला है, मैं अल्लाह के ऊपर उम्मीद है और यहाँ के जो मकामी मैं जिनके साथ रोज मेरा उठना बैठना है जिनके साथ में दिन रात रहता हूँ वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन एमएलए होना है। इंशाल्लाह इस बार ये सारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं और हमारे साथ वर्कर्स जो काम करते हैं दिन रात हमारे साथ जो मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं कभी भी उनकी मदद से इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह एमएलए होंगे। अब्दुल खादर शाहिद इस मरतबा जेडीएस के उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी यानी सारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं खिदमत करने के लोगों के साथ हूँ, उनको जो मदद होना है उनके राय मशवरे से इंशाल्लाह इस बार काम होगा।
यन्नार हलके में लोगों को जो काम होना है वो आम लोग बोलते हैं, आम लोग की मैं सुनकर इंशाल्लाह मैं काम करूंगा। सर ये भी इसको क्या रहता है सर आपका? इंशाल्लाह मेरा मुझे आज तक जेडीएस का जो मैनिफेस्टो है इसके साथ हमारे चैन कारपोरेटर्स हैं और जो डिप्यूटेड कैंडिडेट्स हैं और पार्टी लीडर्स के साथ मैं सेपरेट एक मैनिफेस्टो इंशाल्लाह एनआर क्षेत्र के लिए बनाऊंगा। अब हमारे कुमार स्वामी साहब जो हैं जो संघ में पैसे लेकर हैं वो संघ माफ करने का 24 घंटे में अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो इंशाल्लाह 24 घंटे में पूरा माफ करने का वादा किए हैं। तन्वीर सेठ के साथ आपका दोस्ताना माहौल था तो आगे चलकर क्या हेल्थी पॉलिटिक्स होगी, क्या होगी? देखो ये आपको भी मालूम है, हमें जब स्कूल पढ़ते थे रनिंग रेस छोड़ते थे, जब रनिंग रेस छोड़ते हैं तो उन्होंने भी भागते हैं हमें भी भागते बाद में बैठते थे। ऐसा है कि ये सियासत जो है ये अलादा है, ये स्पोर्ट्स की तरह हमें लेना है, जो आवाम चाहेगी वही इंशाअल्लाह आगे दिनों में होगा। सर एक आखिरी सवाल है, आपको ये याद रखना होगा, आपको ये याद होगा कि एनआर हलके में जो है कांग्रेस एक बहुत बड़ी मजबूती के साथ जो है अपना कदम जमाए रखी है, आपका मुकाबला जो है एक बहुत ही मजबूत शख्स के साथ होने वाला है, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखो तुमने भी मालूम कांग्रेस को कमी नहीं है, यहाँ एनआर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस को नहीं है, जो खिदमत करना वोटा हर जगह जाते हैं, क्योंकि एक आदमी जीतने के लिए एक कट्ठा वोट होते थे। इस बार इंशाल्लाह उसी तरीके से इस बार जेडीएस को एक तरफा वोट देकर इंशाल्लाह आवाम की जो आवाज है वो आवाज को इंशाल्लाह यहाँ की आवाम जवाब देगी। सर हर बार जो है कर्नाटक में मिली जुली सरकार होती है हर बार, तो क्या बीजेपी और जेडीएस ये एक साथ होने के अंदेशा है आपको? नहीं देखो अभी कुमार स्वामी साहब 1-2-3 का जो विजन लेकर चले हैं इंशाल्लाह हमें एक ही पार्टी का हमारा फुल गवर्नमेंट हमें सरकार बनाएगी। ऐसा अगर हुआ बीजेपी जेडीएस हुई तो आप इसके बदले में क्या करना चाहेंगे? नहीं देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तुम्हें बीजेपी और कांग्रेस को कितने लोग आते रहे हैं, बीजेपी से जगदीश शेट्टर साहब आके हैं, ये दो तरह से है, एक बीजेपी की चड्डी का नाड़ा कांग्रेस है, तो मैं खुली बात बोलना चाहता हूं नाड़ा घट बनेंगे या नाड़ा खोल देंगे तो चड्डी गिर जाएगी। अभी यहां पर इंशाल्लाह इस मर्तबा जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें तमाम आवाम को मालूम है जब कौम तकलीफ में थी उस वक्त ये लोग चाह रहे हैं क्या हुआ है यह मालूम है, इस मर्तबा 10 तारीख का दिन इसका जवाब देंगे। शहीद ब्रेक के, चलो शहीद ब्रेक के। सर रे लो लो।